महिंद्रा स्कॉर्पियो एन स्कॉर्पियो क्लासिक की ही सक्सेसर है पर एक नए अवतार में, और इस गाड़ी की एक अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। पुरानी स्कॉर्पियो क्लासिक की बात करी जाए तो अनफॉर्चुनेटली गाड़ी क्रैश टेस्ट में 0 स्टार स्कोर कर पाई थी, जिसका रीज़न था टेस्टेड मॉडल का बिना एयरबैग के होना, और शायद एयरबैग के साथ गाड़ी 2 से 3 स्टार ज़रूर स्कोर कर पाती क्योंकि महिंद्रा स्कॉर्पियो ने कुछ रियल लाइफ एक्सीडेंट में बेहतर परफॉर्म किया है। पर हाई स्पीड में गाड़ी के क्या हाल हो सकते हैं वो आप देखेंगे आज के इस वीडियो में। ये वीडियो मिस्टर अश्विनी चौधरी ने मेरे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया था और डिटेल्स दिए थे। आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं। एक्सीडेंट देवघर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट किया गया है, जहाँ एक हाई स्पीड महिंद्रा स्कॉर्पियो अनकंट्रोल्ड होकर सड़क से नीचे उतरी और पेड़ से टकरा गई। आगे वीडियो में महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की हालत आप देख सकते हैं। यह इंपैक्ट इतना जोरदार था कि गाड़ी की चेसी ही 2 टुकड़ों में हो गई, और पिक्चर्स में आप देख सकते हैं ऐसा लगता है कि ये जैसे 2 अलग अलग गाड़ियों की पिक्चर हो। यहाँ को ड्राइवर साइड में बैठे किसी भी पैसेंजर का बचना नामुमकिन था। एज पर इंफॉर्मेशन यहाँ 4 लोगों की डेथ हो गई, मे द सोल रेस्ट इन पीस। पर फॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में ड्राइवर और एक बच्चा सेफ बच गए, पर ड्राइवर की ओवर स्पीडिंग की सज़ा गाड़ी में बैठे बाकी लोगों को मिली। तो ओवर स्पीडिंग की वजह से गाड़ी के क्या हाल हो सकते हैं ये बात इस एक्सीडेंट से काफ़ी साफ है। साथ ही पुरानी स्कॉर्पियो क्लासिक मजबूती के मामले में भी इतनी अच्छी नहीं थी, और अब महिंद्रा ने अपनी कार की सेफ्टी के ऊपर काफ़ी काम किया है, तो नई महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक से बेहतर उम्मीदें हैं क्रैश टेस्ट में। इसीलिए आपको हमेशा सेफ स्पीड लिमिट में ड्राइव करना चाहिए, साथ ही दूसरों की गलती से होने वाले एक्सीडेंट से बचने के लिए हमेशा एक सेफ कार का चुनाव करना चाहिए। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।